एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। सब बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर वन की इंडियन लॉजिक की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। इंडियन लॉजिक का ये लेक्चर नंबर 14 है। देखते ही देखिए हम लोग लेक्चर नंबर 14 पे आ चुके हैं। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 99% अपना इंडियन लॉजिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सो देखिए, ये आपकी सपोर्ट से ही हो पाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सो दैट आगे भी और भी यूनिट्स को हम ऐसे ही डिटेल में कवर करते रहें। कमिंग टू आज का हमारा 14th लेक्चर, जिसमें मैं आपके साथ हेता बावास डिस्कस करने वाली हूँ। हेता बावास को हम इंग्लिश में फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस भी कहते हैं। पाँच हेता बावास हैं टोटल, पाँचों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन पाँचों से ही आपको हमेशा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कमिंग टू, मैं आप सबको बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट NJRF क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55% के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने महाराष्ट्र सेट को भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वाज माय ब्रीफ बैकग्राउंड। एंड जो स्टूडेंट्स मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप वहाँ पर जाके ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सो दैट पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशंस आती हैं, कोई भी अपडेट्स आती हैं, कुछ भी लेक्चर से रिलेटेड भी अपडेट्स आती हैं, वो सारी की सारी सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे ही जाती हैं। सो आप जाइए, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट्स पेपर वन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट और इंडियन लॉजिक, ये चारों ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे से कवर्ड भी की हुई है। सो इन चारों की ही जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाइए वहाँ से इनको ज़रूर चेकआउट कीजिए एंड कवर कीजिए। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के हैं उनके लिए मैं बता दूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ये तीनों ही यूनिट्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। इन तीनों की ही प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाइए इन तीनों यूनिट्स को वहाँ से अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही क्या है? हेता बावास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फैलेसीज ऑफ इन्फ्रेंस। पहले तो समझते हैं हेता बावास है क्या। हेता बावास बेसिकली एक संस्कृत टर्म है। कौन सा टर्म है? ये एक संस्कृत टर्म है जिसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में उसका मीनिंग निकालेंगे, तो वो क्या बनता है? वो बनता है फैलेसी। ठीक है, हेता बावास को ही हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में उसे फैलेसी बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, ठीक है हेता बावास को फैलेसी बोलते हैं, ओके, बट फैलेसी है क्या पहले वो तो समझाइए। फैलेसी क्या है? जब भी आप इनवैलिड या तो फॉल्टी रीजनिंग देते हो, यानी या तो आपका रीज़न ही वैलिड नहीं है या तो आपका रीज़न ही गलत है। जब भी आप कोई भी आर्ग्यूमेंट करते हो, कोई भी सेंटेंस को मेक करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, तभी आपको क्या देना चाहिए? आपको उसके पीछे का रीज़न देना चाहिए। अगर आपका रीज़न ही इनवैलिड है, आपका रीज़न ही गलत है, फॉल्टी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं डिफेक्टिव रीजनिंग, यानी हम उसे कहते हैं फैलेसी, या जिसको आप संस्कृत में हेता बावास भी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो हेता बावास क्या है? हेता बावास इज़ द फॉल्टी रीजनिंग। जब आप गलत रीजनिंग देते हो, इनवैलिड रीजनिंग देते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? हेता बावास कह सकते हैं, उसे ही हम फैलेसी कह सकते हैं। कमिंग टू हेता बावास है क्या, अगर इंडियन लॉजिक के हिसाब से हम देखें तो हेता बावास क्या है? जब भी जो मिडल टर्म है उसका रीज़न वैलिड नहीं होता है या गलत रीज़न होता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? हेता बावास कहेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, नो डाउट हेता बावास का मीनिंग क्या है कि रीज़न गलत है या रीज़न वैलिड नहीं है, लेकिन वो रीज़न किससे रिलेटेड होगा? मिडल टर्म से रिलेटेड होगा। मिडल टर्म यानी कि हेतु से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो अगर आपकी मिडल टर्म का जो रीज़न है वो वैलिड नहीं लगता है, वो गलत लगता है आपको, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या अकर हुई है? वहां पे फैलेसी अकर हुई है। आई होप सबको फर्स्ट 3 पॉइंट्स अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू हेता बावास, जो वर्ड है वो कॉम्बिनेशन है किसका? दो वर्ड्स का, एक हेतु है और दूसरा अभास है। हेतु वर्ड का मतलब क्या होता है? रीज़न। ठीक है, और अभास वर्ड का मतलब क्या होता है? सीइंग व्हाट इज नॉट, जो चीज़ है ही नहीं आप उसको भी देख रहे हो। ठीक है,
यानी जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, कुछ गलत है लेकिन फिर भी आप उसको अज्यूम कर रहे हो कि ठीक है यही है ये, तो उसे हम क्या कहेंगे? अब्बास। ठीक है, तो हेता बावस अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो उसका मीनिंग क्या बनता है कि मैं ऐसा रीज़न देख रही हूँ जो है ही नहीं, यानी मैं ऐसा रीज़न देख रही हूँ जो एक्चुअल में गलत है, उसे ही हम क्या कहेंगे? हेता बावस कहेंगे। ठीक है, आई होप सबको हेता बावस का बेसिक मीनिंग क्लियर है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ हेता बावस क्या है, हेता बावस इज़ फैलेसी। फैलेसी क्या होता है या हेता बावस क्या होता है? तो जब भी आपकी जो मिडल टर्म है, आपका जो हेतु है, उसकी जो रीजनिंग है वो वैलिड नहीं होती या वो रीजनिंग ही फॉल्टी होती है, रॉन्ग होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हेता बावस कहते हैं। ठीक है, अब कमिंग टू ये जो एक स्लाइड है, इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे मैंने पांचों फैलेसीज लिखी हुई है। आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो टाइप्स लिखा हुआ है, जो हेडिंग दी हुई है टाइप्स, इसमें टोटल 5 हेता बावस हैं। 5 टाइप की फैलेसी है जो आपसे बार बार रिपीटेडली पूछी जा रही है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल है, ये सेम डिस्क्रिप्शन, ये सेम एग्जाम्पल दे के आपसे पूछ लेता है कि बताइए कौन सा हेता बावस है, कौन सी फैलेसी है, आप हमें बताइए। इसलिए मैं बोल रही हूँ ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 5 की 5 हेता बावस अच्छे से याद भी रखने हैं, समझने भी हैं, एग्जाम्पल के साथ याद रखिए, बिकॉज एग्जाम्पल भी वो लोग सेम टू सेम पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हेता बावस कौन सा है? असिद्धा, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साध्य समा। ठीक है, पहला हेता बावस का दो नाम दिए हुए हैं, एक ही फैलेसी के दो नाम है। कौन से? एक क्या आपका असिद्धा या तो सद्य साध्या समा। ठीक है, तो असिद्धा क्या है? असिद्धा मतलब जिसको आप सिद्ध नहीं कर पाए, जिसको आप प्रूव नहीं कर पाए, यानी यहाँ पे जो फैलेसी है वो कैसी रहेगी? आपका जो मिडिल टर्म है वो अनप्रूव्ड है। आप अपनी मिडिल टर्म को, अपने हेतु को, अपने रीज़न को जब प्रूव नहीं कर पाते हो, तो ऐसी टाइप की फैलेसी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम असिद्ध बोलते हैं। असिद्ध यानी जिसको आप प्रूव कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बोला गया है स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट। अब पहली बात तो मन में क्वेश्चन आना चाहिए, स्काई लोटस होता क्या है? स्काई लोटस कोई फ्लावर है क्या? नहीं, लोटस फ्लावर होता है, स्काई लोटस करके तो कोई फ्लावर ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला गया स्काई लोटस इज फ्रेग्रेंट बिकॉज इट इज़ अ लोटस लाइक द लोटस ऑफ द पॉन्ड। स्काई लोटस भी फ्रेग्रेंट होगा, खुशबूदार होगा। क्यों? क्योंकि लोटस खुशबूदार होता है। लोटस जो आप पॉन्ड में देखते हो वो क्योंकि खुशबूदार होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं स्काई लोटस भी खुशबूदार होगा। अरे जो चीज़ है ही नहीं वो खुशबूदार कैसे हो सकती है? तो अगेन यहाँ पे क्या है? अनप्रूव्ड है। जो स्काई लोटस है वो क्या है? अनप्रूव्ड है ना, जो चीज़ है ही नहीं आप उसको प्रूव कैसे करोगे कि वो फ्रेग्रेंट है भी कि नहीं है? तो इसलिए अगेन ऐसी टाइप की फैलेसी को हम क्या कहते हैं? असिद्ध। ठीक है, आई होप सबको फर्स्ट फैलेसी अच्छे से क्लियर है, फर्स्ट हेता बावस अच्छे से क्लियर है। मैं अगेन बोल रही हूँ, आप इसका डिस्क्रिप्शन, इसका एग्जाम्पल एज इट इज़ याद रखिए, गारंटी से इन पाँचों में से एक पक्का पेपर में आपसे पूछा जाएगा। कमिंग टू सेकेंड जो टाइप है या सेकेंड जो हेता बावस है हमारा, वो क्या है? सव्य बिचारा। सव्य बिचारा क्या होता है? यहाँ पे जो आपकी मिडिल टर्म होती है वो इरेग्युलर होती है। आपकी मिडिल टर्म कैसी रहती है यहाँ पे? इरेग्युलर होती है। इरेग्युलर यानी आपकी मिडिल टर्म जितनी बार आनी चाहिए उतनी बार वो आर्ग्यूमेंट में नहीं आती है। और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पे एग्जाम्पल बायपेट्स और डॉग्स का है। क्या बोला गया है? ऑल बायपेट्स आर डॉग, बर्ड्स आर बायपेट्स। बायपेट क्या होता है? एक बर्ड है। ठीक है, तो बर्ड्स क्या हैं? बायपेट्स है, इसलिए हम बोल रहे हैं बर्ड्स डॉग्स है। तो आपको याद रखना है जब भी बायपेट, डॉग, बर्ड्स ये सब वर्ड यूज़ होते हैं तो आपको याद रखना है ये किसका एग्जाम्पल है, ये आपकी इरेग्युलर मिडिल टर्म का एग्जाम्पल है, यानी कि सव्य बिचारा का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई होप सबको सेकेंड टर्म भी, सेकेंड जो फैलेसी है या सेकेंड जो हेता बावस है वो भी अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू हमारा थर्ड हेता बावस जो है सत प्रतिपक्षा। अब ये क्या है? यहाँ पे जो आपकी मिडिल टर्म रहती है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है अनदर मिडिल टर्म, यानी यहाँ पे आपकी मिडिल टर्म को ही कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है। एक तरफ आप एक चीज़ बोल रहे हो, दूसरी तरफ आप उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट, एग्जैक्ट कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ बोल रहे हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सत प्रतिपक्षा कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है? साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज़ ऑडिबल। एक तरफ आप बोल रहे हो साउंड इज एटर्नल है, क्यों? क्योंकि वो ऑडिबल है,
अरे साउंड सुनाई तो देता है, अब उसको आप कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहे हो कि वो इटर्नल है फिर ऑडिबल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एक ही मिडल टर्म को आप क्या कर रहे हो, दो अलग दूसरे तरीके से आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। ठीक है, कमिंग टू हमारा फोर्थ हेताब आवाज जो है बाध्यता। बाध्यता क्या है, नॉन इन्फ्रेंशली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। यहाँ पे आपकी मिडल टर्म कैसी रहती है, नॉन इन्फ्रेंशली यानी अनुमान नहीं होने के बावजूद भी, इन्फ्रेंस नहीं होने के बावजूद भी आपकी मिडल टर्म क्या कर रही है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है खुद को। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बाध्यता। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज़ अ सब्सटेंस। फायर क्या होगी, कोल्ड होगी, क्यों, क्योंकि वो कोई चीज़ है। ठीक है, तो अगेन ये क्या है, बाध्यता है। यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कोई दोनों में कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं होने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, उन दोनों चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। फायर कभी भी कोल्ड हो सकती है क्या, ठंडी आग सुनी है क्या कभी आपने, हो ही नहीं सकती है, करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो, आप बाध्यता कर रहे हो, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, वो भी नॉन इन्फ्रेंशली। नॉन इन्फ्रेंशली यानी जो दो चीज़ों में कभी कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता, जो दो चीज़ें साथ में रह ही नहीं सकती, आप उनको एक साथ ले रहे हो। ठीक है, उनको एक साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। लास्ट एंड फाइनल जो हमारा हेताब आवाज है वो है विरुद्धा। विरुद्धा क्या होता है, जब आप किसी चीज़ के कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, यानी सिंपली बोलूँ तो यहाँ पे जो आपकी मिडल टर्म होती है वो क्या रहती है, कॉन्ट्राडिक्ट्री रहती है। आपकी मिडल टर्म जब भी कॉन्ट्राडिक्ट्री रहती है तो यानी आप क्या हो, आप उस चीज़ के विरुद्ध हो। विरुद्ध यानी आप उस चीज़ में अपोजिट हो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल क्या है, यहाँ पे एग्जांपल है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आई होप सबको पाँच की पाँच जो हेताब आवाज़ है वो अच्छे से क्लियर है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूँ, एक विरुद्धा और दूसरा सत प्रतिपक्ष। ये जो थर्ड एंड फिफ्थ हेताब आवाज़ आप देख रहे हो, इसमें कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता हो जाता है, क्यों, क्योंकि दोनों का एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लास्ट वर्ड दोनों में अलग है, एक में ऑडिबल है और लास्ट में एक में प्रोड्यूस्ड है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बट मैं आपको एक सिंपल बोल सकते हैं ना ट्रिक देती हूँ, जिससे आप इन पाँचों ही फैलेसीज को अच्छे से लर्न कर सकते हो, पाँचों ही हेताब आवाज़ को अच्छे से लर्न कर सकते हो। सिंपली क्या कर दो, इसका चार्ट बना के ना अपने टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने लगा दो, एंड हर रोज़ जब भी आप पढ़ते रहोगे बाय डिफ़ॉल्ट आपका नज़र उस चार्ट पे जाएगा ही जाएगा, एंड धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में आपको ये पाँचों के पाँचों हेताब आवाज़ जो हैं ईजीली लर्न भी हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।